A battery of internal resistance 2 ohm is connected to a variable resistor whose value can vary from 4 ohm to 10 ohm. The resistance is initially set at 4 ohm. If the resistance is now increased, then तो रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है. बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 2 ओम है. वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 4. ओके ठीक है. तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पावर रेजिस्टेंस की क्या होगी? तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर. ठीक है, तो आर बढ़ता जाएगा लेकिन आई आई का फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर. कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ रही है, कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ रही है स्क्वायर में, तो आई बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा. कैपिटल आर जितना तेजी से इंक्रीज करेगी उससे ज्यादा तेजी से आई डिक्रीज करेगा क्योंकि स्क्वायर है. तो डिक्रीज ओवरऑल यहां पर होगा. और वैसे भी हमें पता है कि मैक्सिमम पावर तब आती है जब इक्वल स्मॉल आर कैपिटल आर होते हैं, तो यहाँ पे तो कैपिटल आर स्मॉल आर से ज्यादा ही है, तो अब मैक्सिमम तो आने से रहा, तो जो आंसर है वो हमेशा डिक्रीज होता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ.